जी हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। सो लेक्चर शुरू करते हैं आज का भी। आज जो है हम एक और यू कैन से दैट के टॉपिक के बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल करने जा रहे हैं, एंड दैट इज़ मिल्किंस ऑयल ड्रॉप मेथड। मिल्किन वॉज अ जीनियस ऑफ हिज टाइम, यू कैन से ही गॉट हिज आइडिया इन 1909। सो वो ये एक वो टाइम था जब साइंस जो थी वो बढ़ रही थी। तो साइंस ने यू कैन से दैट के एक और मिस्ट्री से एक चीज़ को रिवील किया। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा कि थॉमसन ने इलेक्ट्रिकल यू कैन से दैट फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को कैलिब्रेट कर कर चार्ज बाय मास रेशो का पता लगाया। सो यू कैन से दैट के उसी तरह का स्टफ़ इस्तेमाल करके मिल्किन ने जो है वो एक लोएस्ट चार्ज यानी कि यू कैन से दैट के द वैल्यू ऑफ चार्ज को जो है वो डिटरमिनेट किया। अब ये प्रोसेस कैसे हो पाया मैं आपको इस टॉपिक के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये मैंने एक डायग्राम बनाई है। इसमें ये एक मेटालिक चैम्बर है, राइट? लेट्स जस्ट थिंक एट कि ये एक मेटालिक चैम्बर है और इस मेटालिक चैम्बर में हमने मुख्तलिफ चीज़ें एडजस्ट की हैं। लेट्स से दैट कि यहाँ पर हमने एक ऑयल स्प्रिंग मशीन लगाई है, जैसे यू हैव सीन द वाटर गन फॉर द यू कैन से दैट के बालों को स्प्रे करने के लिए पानी को। तो ये ऑटोमाइजर है, इसका नाम ऑटोमाइजर रखा हुआ है और इसमें बड़े फाइन ऑयल ड्रॉप पार्टिकल्स, वेरी फाइन यू कैन से दैट कि जो आपने कभी धुंध देखी होगी, शायद धुंध से भी छोटे छोटे पार्टिकल्स जो ये स्प्रे कर सकता है। इसके अलावा यहाँ माइक्रोस्कोप लगाई गई है इन पार्टिकल्स की मूवमेंट को स्टडी करने के लिए। लेट से दैट कि आई हैव जस्ट थ्रोन अ लॉट ऑफ पार्टिकल्स ओवर हेयर और यहाँ पे हम एक छोटा सा पार्टिकल थ्रो कर लेते हैं, राइट? आई रियली वंडर कि आपको कुछ नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। सो अब अगर हम देखें इस तरफ, इस पे यहाँ पर जो है एक्सरेज ऑपरेटस लगाया गया है और ये एक्सरेज ऑपरेटस जो है इन ऑयल ड्रॉप्स के ऊपर यू कैन से कि एक्सरेज थ्रो करेगा। ओके, व्हाट व्हाट द थिंग्स आर गोइंग ऑन इन दिस एक्सपेरिमेंट वो हम अब बात करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि हम जब यहाँ से ऑयल ड्रॉप्स को स्प्रे करेंगे तो यू कैन से दैट कि हमने रास्ते में इनके दो प्लेट्स लगाई हैं, एंड दीज आर नोन एज इलेक्ट्रोड्स। एज एज एवरीबडी नोज दैट इलेक्ट्रोड्स कैरी द पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज, यू नो इट रियली वेल। तो लेट्स से दैट अब इनको बिजली लगाएंगे इलेक्ट्रोड्स को, तो बिजली लगाने के बाद डेफिनेटली इन इलेक्ट्रोड में से जो है वो करंट पास होगा। अब इन इलेक्ट्रोड में जब करंट पास होगा तो सेंटर में यू कैन से दैट इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होगी। अब ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट हुई है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड से ही सारा काम लिया जाएगा इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। कैसे? जब आप इन इलेक्ट्रोड्स को ऑन करेंगे तो फिर डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल फील्ड ने कोई ना कोई रोल अदा करना होगा, लेकिन उससे पहले हम इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑन किए बगैर चेक करते हैं कि क्या होगा। लेट्स से दैट कि अभी हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑन नहीं की, तो जब हम इस फाइन पार्टिकल्स को स्प्रे करेंगे द पार्टिकल्स डेफिनेटली विल मूव विद द एक्सेलरेशन, राइट? विद द एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो आप देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है इन पार्टिकल्स की, लेट्स से दैट इट्स बीइंग लाइक द मूविंग विद द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आई मीन टू से द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेविटी, एंड डेफिनेटली द पार्टिकल्स विच आर मूविंग दे कैरी सम मास। तो आप देख सकते हैं कि ये मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट को एम से हम जाहिर करेंगे और जी स्टैंड फॉर ग्रेविटी, यू हैव हर्ड इट इन द प्रीवियस क्लासेस। अब आगे देखें कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल फील्ड को अगर ऑन कर देंगे तो फिर क्या होगा, ये पार्टिकल जो है यू कैन से दैट कि हम इनको पहले चार्ज करेंगे। ये चार्ज कैसे करेंगे? हम एक्स रेज को पार्टिकल्स पे बम्बार्ड करेंगे। एक्स रेज को बम्बार्ड करने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ट्रैवल करके किसी एक ड्रॉपलेट में से किसी एक ड्रॉपलेट में ज़्यादा हो जाएंगे। जब ऐसा होगा तो इससे क्या होगा कि कोई एक ड्रॉपलेट जो है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जब इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो यहाँ से जाहिर होगा कि जब आप इलेक्ट्रिकल फील्ड भी ऑन करेंगे तो नेगेटिव चार्ज अब बजाय कि वो नीचे की तरफ मूव करें, डेफिनेटली इट विल अट्रैक्ट टुवर्ड द पॉजिटिव पोल। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है इट विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन, यानी कि अब जो है एक्सेलरेशन है जो यानी मूवमेंट्स हैं वो अब वेलोसिटी जो है वो ऑपोजिट हो चुकी हुई है। सो हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी टू है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव
विद द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड द मैसी बॉडी इज मूविंग इन अ नेगेटिव वे. सो दिस कुड बी कंक्लूडेड एंड दिस थिंग विच आई हैव रिटन हेयर इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड विच आई हैव शोन यू एंड ई स्टैंड फॉर द चार्ज. यू कैन से द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, राइट. सो द फर्स्ट इक्वेशन मेक्स अस क्लियर कि वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड के बगैर यू नो इज ग्रेविटेशनल. और फिर बाद में जो है यू कैन से दैट कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जब ऑन की है तो द वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी यू कैन से दैट के नेगेटिव एक्सेलरेशन दैट द पार्टिकल्स विदाउट इलेक्ट्रिकल फील्ड इज मूविंग डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड विद इलेक्ट्रिकल फील्ड इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. सो दैट्स द केस. अब मिल्कन ने क्या मैजिक इसमें किया. मिल्कन ने ये मैजिक किया कि इसने कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिकल फील्ड को एडजस्ट किया कि पार्टिकल को उसने यहाँ पर सस्पेंड कर दिया, उसने यहाँ पर रोक दिया. अब इसके रोके जाने का मतलब ये था कि जितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड लग रही है उस पार्टिकल को रोके जाने के लिए वो बराबर है. सो उसने इस चीज़ को माइक्रोस्कोप से भी ऑब्जर्व किया और फिर इस एक्सपेरिमेंट के बाद उसने जो सबसे कम चार्ज जूम किया एंड दैट वॉज अमेजिंग, वो उसने जूम किया. दैट इज नोन एज मिल्कन्स चार्ज वैल्यू ऑन इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज 1.59 × 10⁻¹⁹ कूलम. और आज जब हम बहुत ही रिसर्च करके बहुत ही मॉडर्न वैल्यूज को कंक्लूड आउट करके जो यू कैन से दैट के वैल्यू निकाल रहे हैं दैट इज 1.60 × 10⁻¹⁹ कूलम, जो कि मिल्कन के 1909 वाले एक्सपेरिमेंट के राउंड अबाउट बहुत करीब तरीन है. सो दैट डस रियली मेक अस क्लियर दैट कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो सकता है एंड दैट वॉज क्लियर बाय मिल्कन इन 1909 दैट इज इक्वल टू 1.59 × 10⁻¹⁹ कूलम. तो इन दोनों इक्वेशंस को मैं आपको रिलेट करके भी दिखा सकता हूँ कि ये वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है. सो जस्ट से दैट आप V1 ओवर V2 को जो है वो बराबर कर दें mg डिवाइडेड बाय E-mg. और यहाँ पे इन यू कैन से दैट ये जो वैल्यू है इसने कंक्लूड आउट कर ली, राइट. और ये कैसे कर ली, इन तमाम कांस्टेंट की वैल्यूज को प्लेस करके, इन तमाम कांस्टेंट की वैल्यूज को प्लेस करके उसने इस चार्ज की वैल्यू कंक्लूड आउट कर ली. अब ये कैसे वैल्यूज प्लेस की और कैसे निकालेंगे ये इंशाल्लाह हम हायर क्लास में सीखेंगे. सो दैट्स इट. थैंक यू. आई होप आपको हासिल हुआ है. सो गाइज एज आई टोल्ड यू बिफोर कि कैसे मिल्कन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और कैसे उसने एक छोटे से ड्रॉपलेट पे चार्ज की वैल्यू को कंक्लूड आउट किया. सो अब उस एक्सपेरिमेंट और उससे प्रीवियस एक्सपेरिमेंट यानी वी गॉट टू एक्सपेरिमेंट्स. अगर आपको याद हो इन द प्रीवियस लेक्चर्स हमने बात की थी कि जे जे थॉम्सन ने चार्ज बाय मास रेशो निकाला था. चार्ज बाय मास रेशो क्या निकाला था उसने, जब अपने एक डिस्चार्ज ट्यूब में एक्सपेरिमेंट किया था तो उसने निकाला था 1.7588 × 10⁻¹⁹ कूलम पर kg. और अगर हम देखें इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ मिल्कन उसने चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर निकाला. उसने क्या निकाला चार्ज, यू कैन से दैट वन पॉइंट दैट इज इक्वल टू राउंड बॉड इक्वल टू 1.6022 × 10⁻¹⁹ कूलम. अब इन दोनों वैल्यूज को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, लेट्स से दैट यू कैन से दैट ई बाय एम इज इक्वल्स टू यू नो इट रियली वेल 1.7588 × 10⁻¹⁹ कूलम पर kg. And if you place the value of, I think, charge over here, charge ki value agar aap idhar place kar dein, 1.6022 × 10⁻¹⁹ coulomb, so you can just take this value out from here. Mean to say, agar aap isko cross multiply karein, m ko idhar le aayein aap, right, on the right side, and if you divide this value to this left side, toh phir kya hoga, what do you get? M is equals to 1.6022 × 10⁻¹⁹ कूलम और आप इसको डिवाइड कर देंगे 1.7588 × 10⁻¹⁹ कूलम पर kg. सो यू कैन से दैट कूलम को आप कूलम से कट ऑफ कर सकते हैं एंड यू कैन जस्ट टेक आउट अ आंसर पर kg. सो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कम्स आउट टू बी 9.10
9.5 right into 10 raised to the power minus 31 kg. So that's the value of mass of electron, and that could be concluded. अब दो जो previous experiments थे उनसे आप इस mass of electron यानी कि आप एक electron के mass को भी conclude कर सकते हैं. So I hope you have get something out of here.